गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल शिव मोहनी। तो गाइस, सबसे पहले सभी को राधे राधे, जय माता दी। जैसा कि आज शरद पूर्णिमा है और आज हम अपने ठाकुर जी का श्रृंगार करने जा रहे हैं, तो ये उनकी पोशाक रही जो कि बहुत ही सुंदर है। व्हाइट कलर का टच है इस पर, मतलब पूरे व्हाइट कलर के कपड़े से बनी हुई है। और यहाँ पर इनकी ज्वेलरी है जो कि बहुत ही सुंदर है, बिल्कुल शाइन करती हुई है, तो बहुत ही सुंदर लग रही है। इन सारी चीज़ों का जो वीडियो है, ज्वेलरी, ड्रेस, सारी चीज़ों का जो वीडियो है अपलोड है गाइस। तो चलिए पहले अपने ठाकुर जी को ये ड्रेस पहना लेते हैं, फिर आपके साथ उनका श्रृंगार करते हैं। तो ये देखिए, हमने अपने ठाकुर जी को उनकी ये ड्रेस पहना दी है जिसमें वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहे हैं और काफ़ी अच्छा लुक आया है इनका इस ड्रेस के साथ। देखिए, बहुत ही सुंदर लग रहे हैं ये। ऐसा ही हमने अपनी राधा रानी के लिए भी बनाया हुआ था, जो कि आपको बहुत पसंद आया था वो वीडियो, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। अब ये देखिए, मैं अब अपने ठाकुर जी का जो श्रृंगार करूँगी, तो सबसे पहले मैं इस बार इन्हें बिगुल पहना दूँगी, क्योंकि वो फिर ज्वेलरी में बाद में फंसने लगता है और मैं सेट नहीं हो पाता फिर। तो आज इनका बिगुल हम सबसे पहले इन्हें धारण करा दिया हमने। अब यहाँ पर हमें इन्हें एक लॉन्ग नेकलेस पहनाएंगे। इन नेकलेस का जो वीडियो है गाइस, वो ऑलरेडी अपलोड है, तो आप वहाँ से जा कर के चेकआउट कर सकते हैं। ये देखिए, तो इस प्रकार से हम इन्हें इनका नेकलेस पहना देंगे और पीछे से हम इनकी जो डोरी है उसे बीट्स से फिक्स कर देंगे। ये देखिए, जो कि आज हमारे ठाकुर जी वाइट ड्रेस में बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहे हैं। ये देखिए, और काफ़ी अच्छा लुक आ रहा है आज इनका। और ये इनका नेकलेस है, चोकर टाइप का ये नेकलेस है, जो कि बहुत ही सुंदर लग रहा है। और बिल्कुल साथ में ही बनाया गया था ये नेकलेस, जो कि बहुत ही सुंदर लग रहा था हमारी राधा रानी के ऊपर भी और हमारे कान्हा जी के ऊपर भी अच्छा लग रहा है। तो इस प्रकार से हम इसे भी सेट कर देंगे, ये देखिए, और इसे थोड़ा सा फिक्स कर देंगे जिससे बहुत ही सुंदर लगने लगेंगे हमारे ठाकुर जी। तो ये देखिए, हमने इन्हें इनके दोनों नेकलेस पहना दिए हैं। तो नेकलेस वाला जो पोर्शन है वो कंप्लीट हो गया है। अब हम इन्हें इनका जो ड्रेसअप के हिसाब से, इनका नेकलेस के हिसाब से ही इनका इयर रिंग है, तो हम इन्हें इनका इयर रिंग लगा देंगे, पहना देंगे। तो ये देखिए, और बहुत ही सिंपल इयर रिंग है, क्योंकि ज्वेलरी जो है थोड़ा सा हैवी है, तो सिंपल इयर रिंग ही ज़्यादा अच्छे लगेंगे। ये देखिए, बहुत ही सुंदर लगते हैं ये सारे। मैं भगवान के जो ग्लू आता है उसी से इन्हें फिक्स करती हूँ, इनके इयर रिंग, जो कि आपको जहाँ पे आप पूजा का सामान खरीदते हैं जिस दुकान से, आपको उसी दुकान पे ये जो ग्लू है भगवान का वो मिल जाएगा, जो इनके लिए स्पेशल आता है, जो मधुमक्खियों के छत्ते से बनता है, मुझे जहाँ तक पता है तो वो उसी से बनता है। तो चलिए, अब हम इनके आगे का श्रृंगार करते हैं। तो इस प्रकार से हम इन्हें ऐसे फिक्स कर देंगे। ये देखिए, थोड़ा सा जो कड़े का लुक आता है वो अलग ही हो जाता है, तो बहुत ही सुंदर लग रहे हैं ये भी कड़े हमारे ठाकुर जी के ऊपर। ये देखिए, तो इस प्रकार से हमने इनके जो कड़े हैं उसको फिक्स कर दिया है। ये देखिए, अब हम इनको इनकी फिंगर रिंग लगा देंगे। ये भी मैं ग्लू की हेल्प से इन्हें पहना रही हूँ। ये देखिए, इस प्रकार से ऐसा ही बहुत ही सुंदर लगता है जब हम इन्हें इनकी फिंगर रिंग पहना देते हैं हाथ पे, वो अलग ही लुक आता है उनका। ये देखिए, अब मैं इनके पैरों पे भी छोटे छोटे बीट्स हैं मेरे पास, तो वो भी मैं इन्हें लगा दूंगी इस प्रकार से। ये गोल्डन टच पे हैं, जैसा कि उनके ड्रेस में थोड़ा सा सिल्वर गोल्डन मिक्स सा थोड़ा सा ड्रेसअप है उनका, तो उस प्रकार से ये है। ये देखिए, तो हमारे ठाकुर जी का जो श्रृंगार है वो तो हो गया है। अब हम इन्हें इनकी जो है हेयर विग लगा देंगे। इसके बाद हम इनको इनकी पग बांध देंगे। तो पग जो है गाइस, बहुत आराम से आप बांध सकते हैं, बस जो कपड़ा होता है उसे थोड़ा सा आप लंबा ले लीजिए और बस रैप करते जाइए। तो इस प्रकार से आप पहले मोड़ लीजिए और इसे इस प्रकार से ऐसे फिक्स कर ले, और धीरे धीरे आप ऐसे मोड़ते जाएंगे तो देखिएगा खुद ब खुद वो पग बहुत अच्छे से जो है वो सेट हो जाएगी। तो चलिए, मैं पूरी पग को सेट कर लेती हूँ पहले। तो देखिए, हमने अपने ठाकुर जी को ये पग पहना दी है, बिल्कुल रैप करती गई हूँ, कोई एक्स्ट्रा इसमें नहीं रहता है, बस इस प्रकार की मेरे पास फ्रिल थी तो मैंने वो फ्रिल लगा दी है इन्हें। और यहाँ पर कुछ अटैचमेंट थे वो मैंने लगा दिए हैं, जो कि बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। इनकी ज्वेलरी से थोड़ा सा मैच था, कोशिश ये किया है कि इनकी ज्वेलरी से थोड़ा मैच होता हुआ इनका अटैचमेंट हो, जो कि बहुत ही सुंदर लगता है। अभी देखिए, हम इनको इनका ये जो तिलक है वो लगा देंगे, और तिलक के नीचे एक मैं छोटा सा स्टोन रख दूँगी। ये देखिए, अगर आपको ये तिलक नहीं लगता तो आप इसे भी ग्लू की हेल्प से ही लगा लीजिए, तो आराम से वो सेट हो जाता है इस प्रकार से। अब हम इनको इनका ये जो छोटा सा स्टोन है वो लगा देंगे। ये देखिए, बिल्कुल नीचे लगाते हुए ऐसे लगे कि बिल्कुल तिलक से ही सेट है वो। ये देखिए,
इस प्रकार से आप छोटे से तिलक को भी बड़ा सा लुक दे सकते हैं। अभी हम इनको नोज रिंग पे एक स्टोन लगा देंगे, ये देखिए इस प्रकार से। इसी प्रकार से मैं चिन पे भी लगा दूंगी एक स्टोन, जिससे हमारे जो ठाकुर जी हैं वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगने लगते हैं। ये देखिए तो लग रहा है ना बिल्कुल हमारे ठाकुर जी सुंदर। तो इस प्रकार से हम इन्हें लगा देंगे और बहुत ही सुंदर लग रहे हैं आज इनका जो श्रृंगार है, शरद पूर्णिमा स्पेशल है, वाइट कलर का ड्रेसअप है और बहुत ही कम टाइप से इनकी ज्वेलरी है, बहुत ही लाइट वेटेड ज्वेलरी है इनकी। अब हम इनको इनका ये पटका लगा देंगे और पटके को सिंपली आप इनके कंधे पे रख दीजिए तो वो ऑलरेडी सेट हो जाता है, इसे कोई स्पेशल सेट नहीं करना होता। ये देखिए बस इस प्रकार से आप यहाँ पर ऐसे कर दीजिए तो बहुत ही सुंदर लग रहे हैं आज ये। अब हम इनको इनकी ये जो बांसुरी है वो इन्हें धारण करा देंगे इस प्रकार से, ये देखिए जो कि बहुत ही सुंदर लगती है। इनका मोरपंख तो हम इनके इन पग पे ही लगा दिया था पहले ही, तो देखिए इनकी जो बांसुरी हमने इन्हें धारण करा दी है, बहुत ही सुंदर लग रहा है हमारे ठाकुर जी। और इनका जो श्रृंगार है वो हो चुका है जो कि बहुत ही सुंदर लग रहा है। सो आई होप गाइस आपको हमारे ये ठाकुर जी का श्रृंगार का वीडियो अच्छा लगा हो। शरद पूर्णिमा स्पेशल आज इनका श्रृंगार था जो कि बहुत ही सुंदर लग रहा है और बहुत ही अलग लुक आया है इस बार इनके श्रृंगार से। तो आशा करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छे समझ में आया हो, पसंद आया हो। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ जरूर शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें ताकि हमारी वीडियो की ऐसी लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। गाइस हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें, हमारा इंस्टाग्राम हैंडल है shivmohini14, तो आप मुझे वहाँ भी फॉलो कर सकते हैं। गाइस मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो के साथ, नए क्रिएशन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, जय माता दी, राधे राधे।